रुक करते हैं कुछ और खबरां था। पठानकोट विच नजायज माइनिंग ते शिकंजा कसया गया। दस दिए कि डिप्टी कमिश्नर ने इत्थे कमान संभाली ते कई ट्रकां नूं भी जब्त किया जिथे नजायज माइनिंग धड़ल्ले दे नाल जारी है। हुण दस दिए कि पठानकोट विच इस नजायज माइनिंग ते शिकंजा कसया गया है। इत्थे डिप्टी कमिश्नर ने खुद कमान संभाली ते मौके ते जाके कई ट्रक जब्त कर ले। गुआंढी सूबे तों दाखिल हो रही गड्डियां ते एक कार्रवाई की गई है। डीसी हरबीर सिंह ने कई ट्रकों का पीछा किया। एक ट्रक वालों डीसी की गाड़ी को साइड मारन की कोशिश भी की गई। सो नजायज माइनिंग जिथे धड़ल्ले दे नाल जारी है उथे ही लगातार पुलिस वालों हुण कार्रवाई भी की जा रही है। तो इत्थे दस दिए कि डीसी वालों खुद कमान संभाली गई, कई ट्रक नूं जब्त भी किया गया। पठानकोट के नजायज माइनिंग चल रही थी। दस दिए कि डिप्टी कमिश्नर ने इत्थे खुद मौके पर पहुंच के कई ट्रकों नूं जब्त किया। गुआंढी सूबे तों इत्थे गड्डियां दाखिल हो रही सन। ट्रक्स है गया, एक बहुत ही नवेकले तरीके नाल लोडिंग और ट्रैवल कर रहे हैं। नॉर्मली रेते वाले ट्रक जिहड़े होंदे आ वो एक तरीके नाल चलते जिहदे उपर तरपाल नहीं पाई होंदी। इन्हां ने नवा तरीका लभ्या है कि जिवें बाकी भी समान जांदा है करियाने का जिहदे फट्टे ला के उपर तरपाला रस्सी नाल बन के उस तरीके नाल इन्हां ने सारे ट्रक्स जिहड़े हैगे आ बन्ने हुए हैगे। तां दूरों देखण तों लगदा नहीं कि इहदे विच रेता या बजरी होएगी और ये काफ़ी लंबी इहदा जिहड़ी कॉनवाई सी जिहड़ी निकली हैगी है। कुछ साडे जिले चाहे असीं कुछ काफ़ी फड़ लए हैगे हाँ, कुछ हुशियारपुर नूं गए हैगे, मैं उत्थे ऑफिसर नूं दस दिता हैगा। एंड इहदे च तीजी गल जिहड़ी मैं देखी हैगी है कि जे किसी कोल पर्चियां भी हैगियां नाल दी स्टेट दियां तो जे पर्ची सिर्फ 5 टन दी है तो माल जिहड़ा शायद उहदे विच 30-35 या 40 टन हैगा। ये वी आर ट्राइंग टू